अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पृथ्वी शो के फैन हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 मैच में 6 विकेट से हराया, T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। हालांकि इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह मैच कब से खेला जाएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 6 दिसंबर सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा। यह मैच एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड ओवल में खेला जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शो और केएल राहुल की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी शो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 118.50 की बल्लेबाजी औसत से 237 रन बनाए थे। इनका उच्चतम स्कोर 134 रनों का था, इसलिए इनके प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पारी की शुरुआत करवा सकती है। तो चलिए दोस्तों ऐसे में जानते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। केएल राहुल, पृथ्वी शो, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र चंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव, उमेश यादव, मोहम्मद शमी। तो दोस्तों क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पृथ्वी शो और केएल राहुल की पारी की शुरुआत कराई जा सकती है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और क्या इस टीम में कोई बदलाव हो सकते हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।